हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि मैंने कल के ट्रीजर में बताया था कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं कि मैंने मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना क्यों स्टार्ट किया, पैड लेना क्यों बंद किया, ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो सर, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए थे तो मैं पैड के बारे में भी नहीं जानती थी, क्योंकि उस समय कोई अवेयर करने वाला नहीं था ऐसा जो मुझे बता सके पैड क्या होता है। तो मैं कपड़ा लेना स्टार्ट की थी, तो मैंने कपड़ा बहुत सालों तक लिया, मीन्स 11.5 साल में मेरे को पीरियड्स आए, तो तब से लेकर मैं जब तक जॉब नहीं करती थी तब तक मैं कपड़ा ही लेती थी, कपड़ा ही यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे दूसरा ऑप्शन पता ही नहीं था। एक्चुअली मैं जब मैं ऑफिस जाने लगी तो वहाँ पर मुझे पता चला कि पैड बोल कर कुछ होता है, और पैड क्या होता है वो एक मेरे ऑफिस में एक टीना दीदी थी, बंगाली थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मैं मतलब पैड को क्या होता है और कैसे यूज़ करना चाहिए, उन्होंने ही मुझे समझाया। तो मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलूँगी, और वो उनके वजह से मैंने ये चीज़ समझा कि पैड क्या होता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, और पैड यूज़ करने का सही तरीका भी उन्होंने बताया था। तो काफ़ी साल तक मैं कपड़ा से पैड पे आई, काफ़ी सालों कपड़ा यूज़ करने के बाद पैड पे आई, पैड उसके बाद मैं काफ़ी साल तक यूज़ की, और फिर मैंने पैड कब छोड़ा, मैं आपको कोई झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगी, एकदम सच्ची बात बोलूंगी। तो कुछ महीने पहले एवरटीन ने मुझे कांटेक्ट किया था, उनका कुछ प्रोडक्ट, हर यूट्यूबर के पास ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो उस कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजी थी कि आपको, आप कौन कौन से प्रोडक्ट में कंफर्टेबल हो वो प्रोडक्ट हम भेजेंगे। तो मैं जो जो प्रोडक्ट में कंफर्टेबल थी सारे बोली, और इसके साथ उन्होंने एवनटीन मेंस्ट्रुअल कप भी बताया था, बट इसमें मैं कंफर्ट नहीं थी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ये किस तरीके का है, कैसे है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, एक्चुअली मैं मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ देखा, और मैंने मंगवाया। थोड़ा सा देख के डर तो लगा था, लेकिन मैंने मंगवाया, उनको मैंने लिस्ट में ये भी शामिल किया और मैंने मंगवाया। तो मंगवाने के बाद ना, अब हुई जब पीरियड्स आए तो इसको यूज़ करने की बारी आई, तो यूज़ करने की बारी में मैं पहली बार तो बहुत घबराई थी, मतलब मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, इंसर्ट ही नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मुझे मतलब मैं दर्द वर्द की बात नहीं है, ऊपर से घबराहट थी, माइंड आपका घबराने लगता है ना कि कैसे होगा, देख के डर लगता है ना, बहुत लोगों को ये डर लगता है, तो घबराने लगा, तो मैं ऐसा सोचती थी कि कैसे होगा। लेकिन फाइनली कोशिशों से मेरी, मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड डे तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा थी और मैं इसमें कम्फर्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ डे मेरा ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो उस दिन मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, इसको मैंने कोशिश किया। मुझे आज भी याद है, मुझे 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगा होगा वॉशरूम में, और मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम आज इतनी देर बाथरूम में क्यों हो, इतना टाइम तुमको नहाने में लगता नहीं है, मतलब मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। फाइनली 45 मिनट या 1 घंटे बाद मैं बाथरूम से निकली और मैं इसको अपने अंदर इंसर्ट कर चुकी थी। एंड बट सच बोलूँ तो फर्स्ट मंथ में मेरा माइंड सारा यहीं पे था, मतलब यही था कि ये कहीं चलने में गिरने ना लगे, तो मैं एकदम ऐसे ऐसे चल रही थी, मीन्स अपने आप को कंफर्ट ही नहीं कर पा रही थी, सारा दिमाग सारा ऐसे ही था कि कहीं ये गिरने ना लगे। और फिर इसको यूज़ करने के बाद मैंने पैड भी ले रखा था, नीचे से इसको पैड भी लगा रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि ये लीक करेगा, दाग लगेगी, स्टेन लगेगी, बाहर जाऊंगी स्टेन लगेगी, घर में भी अगर स्टेन लगे तो ठीक नहीं लगता, अपने कपड़े तो ख़राब होते ही, अगर हम बेड पे बैठे, सोफा पे बैठे तो वो भी ख़राब होते हैं, तो इस वजह से। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर मैं इसको रिमूव करने के टाइम में भी अब टेंशन की, अब पता नहीं ये कैसे निकलेगा, लेकिन थैंक गॉड इसमें ये बहुत अच्छी सी ये नोजल बोलेंगे इसको, ये दी हुई है और यहाँ पे ग्रिप भी बहुत अच्छा से है, तो मैंने बहुत इजीली निकाला। इजीली जब निकाल लिया इसको, अगेन वॉश करके फिर मैं जब इसको रीयूज़ करना चाहिए तो फिर वैसे ही घबराहट, लेकिन सेकेंड टाइम मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, चला गया। थर्ड एंड फोर्थ डे मैंने यही यूज़ करके देखा, ठीक था, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ मुझे पीरियड्स आए तो फिर से मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया,
तब भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, मुझे अंदर इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने सब कुछ एकदम क्लियरली अच्छे से किया, लेकिन घबराहट मुझे अभी भी थी कहीं वो चलते चलते गिर ना जाए, दिक्कत ना हो जाए, ऐसी दिमाग में थी। लेकिन वो पूरे 4 दिन मेरे बहुत इजीली गुजरे, बहुत अच्छे से गुजरे, और मैं बहुत हैप्पी थी कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और अब सच बोलूँ तो इससे बेटर कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरा पैड भी, अब पैड का पैसा भी बचने लगा। एक बार, एक ही चीज़ है, इसको बार बार आप वॉश करके यूज़ कर सकते हो। वॉश कैसे करना, यूज़ कैसे करना, ये तो मैंने बताया है पहले भी, किस बॉडी में किस साइज़ की लेनी चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उन वीडियोस की, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। और अगर आप यूज़ नहीं करते हो इसको, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। आप सभी को भी हमारे साथ #FixYourPeriod में शामिल होना है, एंड आप सभी को भी ये यूज़ करके बताना है हमें कैसा है ये, और इंडिया को पोल्यूशन फ्री भी रखना है। क्यों रखना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर ली, और आपको बता दी कि हर लड़की को पहली बार देख के घबराहट होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पैड के बारे में भी लोगों को पता नहीं होता था, अवेयर होते होते पैड के बारे में जाने, इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, अवेयर होते होते ही लोग जानेंगे। और जब ट्रस्ट में जब आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप इसी के साथ हमेशा बने रहोगे। तो ये रहा मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं आपको सच बताई कि फर्स्ट टाइम मैंने इसको एवरटीन ने जब मुझे ये प्रोडक्ट भेजा था, तभी मैंने यूज़ किया था। तो वहीं से मतलब मुझे यूज़ करते हुए 6 महीने के लगभग हुए हैं, 5 या 6 महीने के लगभग हुए हैं, और मैं आज बहुत कंफर्टेबल हूँ इसके साथ, और बहुत बहुत खुश हूँ इसको यूज़ करके। तो इसकी सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना। अगर यूज़ नहीं किया है तो मैं ये भी बोलूँगी कि यूज़ करना, 430 रुपये की है, कोई बड़ी बात नहीं है, 430 रुपये को आप 10 साल तक चलाओगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग यूज़ करना, और #FixYourPeriod में आप सभी का साथ हमें चाहिए तो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।